नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की तैयारी जोरों पर है। मकर संक्रांति की तिथि पर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन अब इसी के साथ देश में तमाम लोगों, संगठनों और संतों की टोली अब दो मांगे और कर रही है। आपने अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये नारा तो सुना ही होगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद से ही तमाम लोग अब मथुरा और काशी में भी विवादित मस्जिद का निपटारा चाहते हैं। ऐसे ही एक खबर धर्मनगरी वाराणसी से आई है, जहां संतों की टोली प्रेम और शांति के साथ काशी में बनी विवादित मस्जिद का निपटारा चाहती है। बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए अखिल भारतीय संत समिति के संतों ने बैठक की। बैठक के बाद तमाम संत काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान संतों ने मुस्लिम समाज से एक और अपील की। यह अपील काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही बनी मस्जिद से जुड़ी हुई है। संतों ने कहा कि सौहार्द और एकता के लिए अयोध्या के बाद अब काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को अब हिंदू धर्म को सौंप देना चाहिए, इससे देश में एकता बनेगी। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा संत समिति के अध्यक्ष अविचल दास महाराज ने काशी में बनी विवादित मस्जिद को लेकर। यहाँ भी प्रूफ है, यहाँ तो सीधे दिखाई दे रहा है। मैंने जैसे कहा कि देखने वाला तो आंख वाला तो देख सकता है, लेकिन अंधा भी देख सकता है, इतना प्रूफ है। तो फिर मुस्लिमों को ही, मैं मुस्लिम समुदाय से ही अपील करता हूँ कि उनको सोच समझकर एक सौहार्द बनाने के लिए, देश में एक तरह की एकता बनाने के लिए उनको सामने से कहना चाहिए कि ये मंदिर था और हम हिंदुओं को सुपुर्द करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आपने सुना कि अविचल दास महाराज ने साफ कह दिया है कि काशी में भी प्रूफ है जो कि सीधे दिखाई देते हैं। आंख वाला तो देख ही सकता है और अंधा भी देख सकता है। साथ ही उन्होंने अपील की कि देश में इस तरह की एकता बनाने के लिए मुस्लिम समाज को सामने से कहना चाहिए कि यहाँ मंदिर था और हम हिंदुओं को यह मस्जिद सौंपते हैं। जानकारी के मुताबिक ऐसा पहली बार नहीं है जब काशी में बनी विवादित मस्जिद को लेकर आवाज उठी है। जब जब अयोध्या की बात हुई है, तब तब काशी और मथुरा को लेकर भी आवाज बुलंद हुई है। संतों का कहना है कि अयोध्या के बाद वो काशी मथुरा को भी लेकर रहेंगे ताकि यहाँ का भी विकास हो सके। इसी के साथ संतों ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। जगत गुरु रामानंदचार्य ने कहा कि विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए पहले गलियों में घूमना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। योगी और पीएम मोदी ने बाबा के भव्य और दिव्य स्वरूप को मानो देश के सामने रख दिया हो। भारत का संत समाज मोदी और योगी के राज में बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसी के साथ धर्मनगरी वाराणसी से आई इस खबर में इतना ही। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज़। धन्यवाद।